अस्सलामुअलैकुम। फ़ज़ाइले आमाल पढ़ते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह जल शाना ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। आदमी के और शिर्क के दरमियान नमाज ही हायल है। इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके और औकात और मुस्तजाबात की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। हक तआला शाना ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज नहीं की। अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है, कोई सजदे में। नमाज दीन का सतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज अफजल जहाद है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक तआला शाना उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वह नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। अगर आदमी किसी वजह से जहन्नुम में जाता है तो उसकी आग सजदे की जगह को नहीं खाती। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अल्लाह जल शाना को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे कि पेशानी ज़मीन से रगड़ रहा है। अल्लाह जल शाना के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा करीब सजदा में होता है। जन्नत की कुंजियां नमाज हैं। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह जल शाना के और उस नमाजी के दरमियान पर्दे हट जाते हैं, जब तक खांसी वगैरह में मशगूल ना हो। नमाजी शहनशाह का दरवाज़ा खुटकाता है और ये कायदा है कि जो दरवाज़ा खुटकाता ही रहे तो खुलता ही है। नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा ही है जैसा कि सर का दर्जा बदन में। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।